बच्चों, मैं अतिथि खंडेल द ग्रेट इंडिया स्कूल रायपुर से। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ गुणवती कन्या पढ़ेंगे। उसके पहले हम पाठ के बारे में जान लेते हैं कि पाठ किस पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ महाकवि दंडी द्वारा रचित दश कुमार चरित नामक महाकाव्य के 6वें पाठ उच्छवास से संकलित है। यहाँ मित्रगुप्त जो है वो अपने विचित्र वृत्तांत के अंतर्गत गोमिनी नामक कन्या की कथा सुनाता है, जो कि एक प्रस्थ यानी 32 पलों के बराबर है ना, ध्यान से एक व्यक्ति को स्वादिष्ट या संपूर्ण आहार की व्यवस्था करती है ना, यथात उसके गुणों का वर्णन है। पाठ की शुरुआत होती है, अस्ति द्रविड़ेशु कांची नाम नगरी, यानी अस्ति यानी है ना, तो द्रविण यानी द्रविण में कांची नाम की एक नगरी है ना, नगर है। तस्यामनेक कोटिसारह श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमारो नामासी है ना, उसमें एक कोटिसार है ना, कोटिसार श्रेष्ठी पुत्र, श्रेष्ठी यानी सेठ का पुत्र है ना, शक्ति कुमार जिसका नाम है ना, शक्ति कुमार नामक एक श्रेष्ठ सेठ का पुत्र था। अब सोष्टादश वर्षीय चिंतामत्पत्र नास्त्यादाराणाम अनुगुण दाराणाम वा सुखम है ना, जब वो 18 वर्ष का हो गया है ना, 18 साल का हो गया, अष्टादश यानी 18 साल, तो 18 वर्ष का जब वो हुआ तो उसने सोचा कि नास्त्यादाराणाम यानी स्त्री है ना, जो स्त्री के बिना और जो गुण रहित है, अनुगुण यानी कि अनुगुण दाराणाम वा सुखम, और जो गुणों से युक्त ना हो, है अवगुण वाली है ना, तो अवगुण वाली जो स्त्री है उससे सुख नहीं है, है ना, तो इसलिए वो क्या करता है, तत्कथम तो गुणवत विंदेयम कलत्रम, तो वो सोचता है, वो अपने आप से मन में विचार करता है कि मुझे गुणवान कन्या की खोज करनी चाहिए है ना, अगर सुख प्राप्ति के लिए मुझे गुणवान कन्या की खोज करनी चाहिए। और वह स वस्त्रापिन द्विशाल प्रशाल पृष्ठो तार दार ग्रहणाय भू भ्रमत है ना, अब वो क्या करता है, अपने वस्त्र में, वस्त्र के जो छोर में है ना, किनारे में क्या करता है, एक 32 पलों के बराबर जो धान वो लेता है, धान यानी क्या होता है जानते, चावल का जो रहता है ना, बालियां, उसको धान कहा जाता है, तो वो 32 पलों के बराबर, नाप के बराबर धान अपने वस्त्र के छोर में बांधता है, और दार ग्रहणा यानी कि स्त्री की ग्रहण करने के लिए, स्त्री की खोज करने के लिए वो भू अभ्रमत यानी जगह जगह घूमता हुआ है ना, घूमता है ना। अब याम कामपि लक्षणवती कन्याम विलोक्य सपृच्छति, अब जहाँ कहीं भी वो घूमते घूमते जहाँ पर भी देखता है कोई ऐसी लक्षणवती कन्या उसे दिखाई देती है, तो वो उससे पूछता है ना, क्या पूछता है, भद्रे शक्नोषि किमनेन शालिप्रस्थेन गुणवदत्रम अस्मान भोजयितुम, क्या आप मुझे इस जो धान वो पकड़े रहता है उसको दिखाकर कहता है कि मैं जो कुछ धान है उससे आप मुझे गुणवदत्रम यानी गुणवान यानी जो स्वादिष्ट है ना, पौष्टिक और स्वादिष्ट भी हो है ना, गुणवदत्रम अन्नम यानी भोजन, अस्मान भोजयितुम ने आप उस वैसा भोजन कराने में सक्षम हो, अगर आ सकती हो, एव कृते स हसिता वधूत गृहात गृहम प्रविश्याभ्रमत, अब ऐसा इस प्रकार से किसी से अगर वो प्रश्न करता है तो वो हंसी का पात्र बनता है ना, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो अपना हंसी का पात्र बनता है, और उस प्रकार से वो हर एक घर में उस कन्या की, गुणवती कन्या की खोज करता हुआ घूमता है। अब वो तिरस्कृत भी होता है इसी कारण है ना, अपमानित होता है कई जगह। एकदा स कावेरी तीर पत्तने विगलित समृद्धि विरल भूषणाम कुमारी अपश्यत, एक बार आप वो घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, कावेरी नदी के तट पर पहुँच गया है ना, तो वहाँ पर उसने क्या देखा,
विगलित समृद्धि है ना, यानी जो थोड़ी क्या दिख रही थी, समृद्धि जिसके पास ना हो, थोड़ी सी निर्धन है ना, विरल भूषण यानी कम आभूषण जिसने पहने हुए थे, ऐसी कुमारी को देखा है ना, कुमारी अपश्यत, अपश्यत यानी देखा। तस्य अतुलित रूप संपदा अभिभूत शक्ति कुमारो अचिंत्य, उसके अतुलित रूप सौंदर्य को देखकर ना, उससे अभिभूत होकर, उससे प्रभावित होकर है ना, शक्ति कुमार ने सोचा, क्या सोचा, शक्ति कुमारो अचिंत्य, अचिंत्य ने सोचा, स्याम आकृतिं शील विरोधिनी है ना, यही वह आकृति है यानी यही वो कन्या है जो कि शील विरोधिनी है ना, यानी कि गुणों के अनुरूप है ना, आसज्जति में हृदयास्यामेव है ना, और इसलिए ही ये जो इस सुंदर कन्या के ऊपर मेरा जो हृदय है वो आ गया है, हृदयास्यामेव, इस पर ही मेरा हृदय आकर्षित हुआ है ना, तदेनाम परीक्षो वदहामि है ना, इसलिए अब उसके अनुसार उसकी परीक्षा करना आवश्यक था कि ये वही कन्या है अथवा नहीं, तो परीक्षोद वदहामि है ना, स्नेहपूर्ण दृष्टि स आह अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्थे नानेन संपन्न माहारम अस्मान भोजितुम है ना, अब वो स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसको देखता है और कहता है, देवी आप अस्ति ते कौशलम यानी कि तुम अपना कौशल दिखा सकती हो, कौशल जो है उसका गुण है ना, शाली प्रस्थानेन है ना, यानी कि इस जो 32 फलों के बराबर जो धान है उससे क्या तुम एक स्वादिष्ट व्यंजन कराने में या स्वादिष्ट आहार करवाने में, हम सबको ऐसा स्वादिष्ट भोजन कराने में सक्षम हो, क्या तुम्हारे में वह गुण है कि तुम मुझे ये भोजन करा सकती हो, तो तदस्या वृद्ध दासी साभिप्राय मालोकिता, अब वो क्योंकि गुणवती कन्या है तो वो कहती है तदस्या है ना, तो उसके बाद वो जो कन्या है वो वृद्ध दासी उसके साथ थी उसे वो देखती है और उसके अभिप्राय को समझकर वो उसके हाथ से क्या करती है, तस्य हस्तात् प्रस्थ मात्रम धान्यमादाय स्वगृहस्य चत्वरें तम प्रक्षालित पादम उपावेशयत है ना, अब वो उसे शक्ति कुमार से वो